हेलो गाइस, कैसे आप लोग? और आपका स्वागत है एटी गेमिंग में। और मेरा नाम है अश्वनी ठाकुर और आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सिटी, यानी कि माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं। और यार, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ गाइस, मुझे सपोर्ट दो और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया मेरे चैनल को। तो गाइस, आज हम चालू करने वाले हैं ये माइनक्राफ्ट। और एक और बार माइनक्राफ्ट चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सब्सक्राइब लाइक कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कर देना, मेरी अगली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेगी और कंटिन्यू करेंगे इन सीजन्स को। और देखो, मैंने अपना नाम भी एटी भाई लिख रखा है, यानी कि अश्वनी ठाकुर भाई, और आपका स्वागत तो है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपने बिना किसी रुकावट के प्ले करते हैं। मैंने एक दो बार खेली तो है। देखो यहाँ पे मैंने हैप्पी वर्ल्ड, अलोन अवे और ये जिसम जू पता नहीं क्या क्या वर्ल्ड बना रखा है, लेकिन हम न्यू वर्ल्ड बनाएंगे। ओनली फॉर न्यू वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। और गाइस, नाम सोचना पड़ेगा इसमें, नाम क्या रखें बताओ भाई, कमेंट करो कमेंट जरूर बताओ यार कि नाम तो नाम रखें क्या। और यहाँ पर मेरे को नाम अच्छा सा लग रहा है, वाई सिटी नाम कैसा है, सही है ना? कोई नहीं, वाई सिटी नाम रखना है नाम है इसका, तो वाई सिटी नाम रखते हैं, वाई सिटी ना SIT, वाई सिटी नेम रख दिया गया हमने। और हम सर्वाइवल इन खेलने वाले क्रिएट। चलिए गाइस, हमारे यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं क्या होता है, अपन कहाँ उतरेंगे कैसे। मैं सोच रहा हूँ क्या हम ना जंगल में उतरना चाहिए गाइस, टापू पे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार टापुओं पे उतरा हूँ, बहुत जगह मैंने बनाए हैं क्रिटिक जिसमें जू और वो सब। वैसे स्टार्ट हो रहे हैं, दिक्कत मतलब यहाँ का लिख कर रहा है डोंट किल डॉल्फिन यू मॉन्स्टर। भाई क्रिएट होने में इतना टाइम लगता क्या? तो फाइनली गाइस क्रिएट हो गई, और जैसा मैंने सोचा था भाई, ये नहीं होना चाहिए था भाई हमारे साथ। हम फाइनली भाई एक टापू पर उतरे हैं, कितना तगड़ा स्कैम हुआ भाई हमारे साथ। सही में गाइस, सामने की तरफ में एक वो तो दिख रहा है आइलैंड, उस पर जाकर देखते हैं शायद हमें वहां पे कुछ मिल जाए। यार कैसा डुबकी से लगा रही है यार अंदर, यार वो नीचे वो क्या है, फिश है। मैं कह रहा हूँ यार, ये आइलैंड बड़ा होना चाहिए भाई, अगर ये आइलैंड लिख लेना भाई तो बहुत तगड़ा स्कैम हो जाएगा अपने साथ। घोड़े तो हैं इधर, शिट यार आइलैंड है भाई ये, तगड़ा स्कैम हो गया भाई अपने साथ, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्कैम। अब पता नहीं हमें वहाँ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा भाई, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप ही बताओ, इधर अपन को घर बनाना चाहिए नहीं? बहुत सो का आंसर होगा नहीं तो नहीं। इनको मार लेते हैं गाइस, भाग रिया। अपन फिर दोबारा उसी जगह पे चलने वाले हैं। उन्हें पानी का बहुत नीचे चला गया था भाई, गाइस मैं पानी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज भाग रहा हूँ।
फाड़ दे इसको। अरे यार यहाँ पर अब तक तो मुझे कोई आइलैंड दिख ही नहीं रहा यार, कोई भी ऐसा आइलैंड। फिर भी यार कोशिश तो अपन करेंगे करेंगे यार, कुछ तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई नहीं, आइलैंड पर चलकर अपन देखते हैं। वो नीचे में केव है क्या ये? व्हाट इज दिस? मेरी सांसें जा रही हैं भाई, बस बाहर आ गए। ओह इधर एक केव मिल गई भाई मुझे। ओह भाई क्या है, तगड़ा स्कैम हुआ भाई मेरे साथ। तो गाइस यार वर्ल्ड अपना चेंज करना पड़ेगा सेटिंग पे जाकर। सेटिंग पे अपन चलते हैं और यहाँ से अपना हटाते हैं और नाम यही रखेंगे फिलहाल। इसमें मेरे को यहाँ से वापस करने का ऑप्शन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। गेम पता नहीं क्या क्या है यार यहाँ पे, कंट्रोल टच प्रोफाइल वगैरह। अपन सीधी सी बात है अपन इधर से वापस कर लेते हैं फीडबैक। क्या हो रहा है? ये सब वापस कैसे करें भाई? सेव स्क्वाड, अपन निकल चुके हैं गाइस अपने इधर से। देखो भाई क्या ये लोडिंग हो रही है, दिखा ऐसी जगह देते हैं और पहुंचा देते हैं वहां पर जहां पर कोई वो ही नहीं होता भाई। कोई नहीं अपन दूसरा वर्ल्ड बनाते हैं, उसका नाम ही हम वाइस सिटी रखेंगे क्योंकि वाइस सिटी बिकॉज ऑफ द मतलब बहुत ही मस्त नाम लगा मुझे वाइस सिटी रखना अपना नाम। वाइस सिटी ना सिटी रख दिया अपना नाम, और यहाँ अपन क्रिएट करते हैं। अपन ने क्रिएट तो कर दिया यार ये, डोंट लीव ट्री फॉर एफ लॉगिंग, पता नहीं क्या हो रहा है। यू कैन फाइंड स्किप द कस्टम इमेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोसीड, दबाते हैं भाई। कोई नहीं यार अपन इसमें जाएंगे अपन, अगर अच्छी जगह मिले ना भाई तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे, वरना ये वीडियो यहीं बंद कर देते हैं भाई, कसम से भाई बंद कर देंगे। स्कैम हो जाएगा, स्कैम तकड़ा ला। फिर अगली वीडियो बनानी पड़ेगी अपन को, फिर अगली वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या बोले? देखो कुछ तो आया वर्ल्ड। ओ यस ये ऐसा ही वर्ल्ड चाहिए था भाई मुझे, कसम से भाई। और भाई ये का तगड़ डिस्टिंग कर दिया बंदों ने, सीधा मुझे कहाँ उतारा भाई डस्टिंग कर, इतनी तगड़ी डस्टिंग मेरे साथ हो गई। ओहो सीधा नीचे ही आ गया ऊपर से। चलो कोई नहीं, अभी पेड़ के ऊपर उतर दे, पेड़ तोड़ लेता मैं। गाइस अपने यहाँ पर क्रिएट करते हैं, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो यहाँ पर क्या बोलूँ भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इस बार की। कोई नहीं अपन जैसे ही अपना कंप्लीट करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अपना मेन मिशन रहेगा इसमें एक घर कंप्लीट करना, कोयला ढूंढना और एक बेड बनाना। कोयले का भी काम है, क्या कहते हैं कोयला, पिछली कोयला जो है ना भाई सक्सेस है, कोयले से खाना पका सकते हैं हम। टॉर्च तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्री, बिकॉज ट्री इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द माइनक्राफ्ट। क्यों आप ही जानते हो भाई, अगर पेड़ नहीं है ना तो समझ लो माइनक्राफ्ट भी कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ क्राफ्ट कर सकते माइनक्राफ्ट में। बस अब अपन भी, ओहो केव देखी मेरे को,
केव नहीं है भाई ये। चलो अब यहाँ पे हम अपन क्राफ्ट वगैरह करते कुछ अच्छा सा। अपन ने ओका वुड प्लैंक तो ले लिया है भाई, लकड़ियाँ बना लेना थोड़ी सी, और क्राफ्टिंग टेबल, एक क्राफ्टिंग टेबल अपन इधर रखते हैं भाई, यहीं पर आकर अपना सारा सामान बनाएंगे। अब यहाँ से मेरे को एक्स बनानी है, सॉर्ड बनानी है, पिकैक्स बनानी है, शवल की इतनी भी ज़रूरत है, चेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भाई, चेस्ट रखते हैं इम्पोर्टेंट। ये सब इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये बताओ इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि इस पर अपन अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि अगर मानो हम मर जाते हैं ना कहीं, तो अपन के पास ज़्यादा सामान नहीं होगा, वेस्ट सामान होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर के डर्ट हटाने पड़ेगा। चलो उसके अंदर सामान रख देता हूँ, ये वुड प्लैंक्स रख देता हूँ, लकड़ियाँ भी इसके अंदर रख देता हूँ। एक चीज नोटिस करो भाई, ये देखो ऊपर की ऊपर मेरे पास आ गया। चलो अपन जाते हैं अब यहाँ से निकल कर स्टोन वगैरह ढूंढने, स्टोन सामने दिख गए, अपन बनाएंगे स्टोन का सामान। ओ यहीं पास में वो भी है, चलो कोई नहीं। अब अपन का सबसे अच्छा काम होगा अपनी जगह ढूंढूंगा, जैसे ही मेरा सामान बनता ना भाई अपन यहाँ से मतलब निकल लेंगे, निकलने के बाद विलेज के ज़्यादा से ज़्यादा विलेज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में देखा विलेज में ना गाँव वहाँ से रहते हैं, उनसे अपन ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं उनसे, वहाँ पर अपन के पास घर भी मिल जाएगा, घर बना भी सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पर क्या ही बोलूँ यार, अपन आप यही देखते हैं ना, अपन स्टोन इकट्ठा करते हैं जब तक जितना होता है, कितना हो गया होगा अब तक, 25 स्टोन है ना, बहुत ज़्यादा है। अभी अपन केव में भी जाएंगे, केव में कोयला ढूंढेंगे भाई केव में से, चलो केव में बिना डरे चलो। कोयले की जरूरत थी भाई, कोयला भी मिल गया। ओ भाई यहाँ पर विच आ गया भाई, क्या बोलूँ भाई, हमें यहाँ पे विच आ गया, मरना कंफर्म है अपना। ओ भाई इसका जहर कब खत्म होगा भाई, भाई यहाँ पर भी हमें कोल ऐड होना था भाई, कोल की तो जरूरत है भाई। इधर तो यार क्रीपर खड़ा है यार, एक इंसान के जाने की वक्त नहीं होती, दूसरा आ ही जाता है। इधर जो बिच है ना उसका भी थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। विच है किधर, दो कोयला तो मिल गया मुझे, विच थी या कोई और था, चलो कोई नहीं यार, अपने पास 5 कोयले हैं, अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपना मैंने थोड़ा सा बेस सा बना रखा बढ़िया सा, जो चलते हैं अपन इधर अपना क्राफ्ट करते हैं अपनी टॉर्च वगैरह। ओ भाई डंडिया नहीं है मेरे पास अभी, ओ इसमें रखी तो यार,
इस पे जाते हैं अपन, क्राफ्ट करते हैं, टॉर्च क्राफ्ट करते हैं अपन। अपने पास एक के भी आ रहा है लेकिन अपन को सोड की ज़रूरत है। सोड आ गए, पिकेक्स, डंडियों की कमी पड़ रही है इसलिए तो मैं कहूँ यार डंडियाँ बन क्यों नहीं रही है। ये अब तो डंडियों की कमी नहीं पड़ने वाली। पिकेक्स एक्स, काफ़ी सामान बना लिया भाई मैंने, क्योंकि मेरे को पहले से मालूम था ना ये सामान ऐसे कर ऐसे करना होता है, इसकी ये चीज़ इसका ये इम्पोर्टेंट होता है, इसका ये काम होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक रह गया भाई, जो सीप। मुझे यहाँ पे भेड़ों को ढूंढना पड़ेगा, भेड़ बकरियों को। देखो दो भेड़ मिलेंगे भाई मेरे को, मैं स्टोन पिकअप के साथ मिलता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा। अपने पास एक बुल तो आ गया है, एक ही में ख़त्म हो गया यार, ये बड़ी कमजोर थी यार। ओहो मुर्गा भी मिल गया मेरे को, एक और बकरी मिल गई गैस मेरे को। ये बहुत तगड़ी है यार, दो मार दिए उसके बाद। किधर गायब हो गई ये, मिल गई। चलो अब अपन बेड बना सकते हैं गाइस, इतना तो अपना हो गया है। अपन फिर यहाँ से रवाना होंगे गाइस, बेड फेड बनाने के बाद तलवार फलवार बना लिया मैंने अपनी, अब यहाँ से रवाना होता है अपन जल्द से जल्द अपना घर। हाँ इसके ऊपर था अपना घर, नहीं यहीं से कूदा था ना। हाँ मुझे दो बेड दिखाई दी थी, एक और बेड दिखी। मेरा घर का घर कहाँ से लगे, घर नहीं था लेकिन परमानेंटली। ओ और देखो भाई अपना भेड़ों को ढूंढने के लिए वहाँ तक गया लेकिन भेड़ अपने आगे मिली। बताओ फिर तो यही बात होगी ना, जिसको ढूंढ रहा गली गली वो मिला अपनी गली। बताओ बगल में छोरा पूरे शहर में ढिंडोरा। आओ तुमसे एक चीज़ तो मिलेगी तुमसे, हम लोगों को तो समझ आता नहीं है, तुमसे तो मांस फांस तो मिलेगा। और रात होने वाली है गाइस, वो क्या है लामा, लामा है लामा। पहले अपने घर की तरफ चलता भाई, और बेड डालता हूँ सो जाता हूँ। अपने घर की तरफ जा रहे हैं हम। अरे यार टॉर्च भी लगानी पड़ेगी, पहले बेड बनाते हैं भाई अपना, बेड बनाने के बाद फिर जो मर्जी करते रहेंगे अपन। वो बेड, ओ भाई मारो इसकी कितनी है, ओ भाई चलो पेड़ मिल गया मेरे को, पेड़ तो मिल गया भाई अपने को, पर पेड़ के इधर से यूज़ भी तो करना ज़रूरी होगा यार। प्लैंक्स बनाना पड़ेगा, जितनी बनते हैं एक बेड तो कम से कम बन ही जाएगा। चलो अपन अपने चेस्ट खोलते हैं, खाली करते सामान अपना। जल्द से जल्द खाली करता हूँ। मटन अपने पर वाह बहुत है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मटन हो गया अपने पास। बेड तो अपने पास रखते ही हैं और सोड भी अपने पास रखते हैं, बेड लगा देना और सो जाते हैं, लंबी सी खराटे मार कर सो जाते हैं, बस कोई आना जाए। तो भाई अब हम सो के उठ गए और आज हमारा अब हमारा मिशन है चल कर एक छत खड़ ढूँढना, जगह ढूँढना। कभी ये तोड़ लेता भाई, इन्वेंटरी अपने फुल हो जाएगी जितना मुझे लग रहा है। हाँ भाई अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यहाँ पर निकाल कर रख लेता अपने।
जैसे कि सॉर्ड इधर आएगी, इसकी जगह पे आएगी टिक एक्स, इसकी जगह पे आएगी एक्स, इसकी जगह पे आएगा ये खाना, इसकी जगह पे आएगा ये, और इसकी जगह पे आएगा ये भाई। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सारे सर मैंने आगे तक लिखा लिया। अब अपन को जगह सजेस्ट करनी पड़ेगी, ये रास्ता इस तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है जगह, कोई नहीं भाई, 20 मिनट की अपनी वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है यार। बस अभी अपने एक ही मशीन अच्छा अच्छी से जगह ढूंढते हैं, वहीं पर अपना बसेरा फसेरा करते हैं, वरना फिर जगह ढूंढनी पड़ेगी। तुम बकरी हमने समझ में ना आता, मेरा रास्ता कटन नहीं जाता, वो भी मर गई मेरी, अब मर गई भाई। अरे यार हेल्थ देखो भाई मेरी, बटन खाते हैं बटन, बटन खाते खाते चलते हैं। बहुत है भाई, इतना हो जाएगा। एक और फुल, फिर अपने हाथों से शॉट ले लेते हैं। और जगह तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आई है भाई कसम से। ओ मधुमक्खी का छत्ता पास जाए क्या, मारेंगे हमको। ओ भाई जहर फोड़ दिया भाई इसने, भागो यहाँ से। मुझे ये नहीं पता था कि मारेगी। हाँ भाई ऑफ कोर्स मारेगी मारेगी, क्योंकि देखो अपने रियल लाइफ में भी यही होता है यार, अगर अपन मधुमक्खी को छिड़को छेड़ते हैं तो काटते। और भाई फाइनली गाइस अपने को मिल चुका है विलेज, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आ गया भाई अपने को विलेज मिल गया। तो अब विलेज वासियों से भाई क्या ही बोलूँ भाई, लाइक तो बनता है भाई, कम ऑन भाई लाइक तो बनता है भाई। तू ट्रेड व्रेड नहीं करता क्या भाई, ये नहीं करता। हाँ देखो ये बंदा ट्रेड करेगा, ओ हाँ भाई ये ट्रेड तो कर रहा है यार, ट्रेड तो करवा भाई। क्या दे रहा है ये, एक कैरमल के बदले दे रहा है ये ब्रेड, और 26 आलू के बदले दे रहा है एक एमरल। क्या यार क्या इंसान है, जा यहाँ से चल, मैं तो ऐसा ट्रेड नहीं करने खड़ा हो गया यहाँ पे आके। और हाँ भाई इनके चेस्टों में सामान बड़ा अच्छा अच्छा होता है, तो क्यों ना हम इनके घर में जाए। भैया नहीं वो गेट पे भग जाएगा, निकलना बाहर। इस बात पे तो आप लाइक मार देना भाई, अपन भी अभी किसी प्लेज में रहने वाले हैं। ये है मेरा नया घर, नया नहीं है पहले ही घर है यार, इससे पहले तो मैंने कहीं घर बनाया नहीं, वो छोटा सा एक निवासी में रहता था मैं। ऊपर जाने का रास्ता भी है, ओहो ब्लास्ट करने से। अरे यार गब्बी फालतू का नुकसान करे यार, जिसने देख लिया ना मेरे को पकड़ के मारेगा भाई मेरे को पकड़ के। वो भाई मैं उछल नहीं सकता ना इसके साथ। हाँ यार मैं जा रहा हूँ, मैं बगल वाले घर में चलकर देखते हैं ना। मैं जिस चीज़ की खोज में हूँ ना वो चीज़ मुझे मिली नहीं है, और वो चीज़ है चेस्ट। इसी घर में है कुछ, इसमें भी भाई कुछ ही नहीं है यार।
तू क्या दे रही है मेरे को ट्रेड में भाई। और आता इंसान ना कोयले के बदले एम्ब्रल मिल रहा है मुझे, और एम्ब्रल के बदले ये बकेट मिल रहा है हमें, बताओ। ये तो गाइस सरासर इंसाफी है भाई, इंसाफी ने ना इंसाफी है भाई। और भाई इनके पूरा गाँव गरीब इंसान है यार, ये गरीब इंसान, इससे ब्रेड बन सकता है, ब्रेड से मेमर। लेकिन यार असल में करेंगे क्योंकि तो अपने गांव है। अब भगेंगे ना, ओ भाई क्या करेंगे बंदों के साथ। मैंने इन बंदों को बना दिया मैंने पागल, बंदे भग गए घर में घंटा बजाने पे। तो गाइस यहाँ पर मुझे चेस्ट वगैरह तो मिल नहीं रहा है, वेल्फ हेल्पर भी कुछ नहीं। कुछ नहीं है यार इनके यहाँ गाँव में, कुछ भी नहीं है। ओ भाई सॉरी सॉरी, मारने लग जाएगा अभी फालतू। इनके एक बॉडी गार्ड्स मैं आपको दिखाऊँ भाई, बॉडी गार्ड्स इनके इतने तगड़े और खतरनाक है ना भाई, क्या है बोलूँ, छाल उछाल के मारते हैं। ये तो मुझे मार देंगे अगर इनको टच करूँगा। बॉडी गार्ड भी दिखाई नहीं दे रहे थे जब मैं आया था ना, तब तो एक कार्ड दिखा दिया था मेरे को, क्योंकि वो आयरन गोलम होता है, आयरन गोलम। देखो भाई ये यही है वो आयरन गोलम। अगर मैंने अभी प्लेस वैसे किसी को भी मिल लिया, हल्का सा भी टच किया ना भाई, पूरी तो बिल्ली है भाई। हे कैट, चलो यार बिल्ली को ही पालेंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।